ये लेडीज कॉर्नर क्या है? भारत को अगर लेडीज की इक्वालिटी चाहिए ना, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान हम मर्दों को देना पड़ेगा। हमें अपने जिगरे खोलने पड़ेंगे, हमें अपने फियर्स को छोड़ना पड़ेगा, हमें अपने माइंडसेट्स को यहां से यहां करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड लेडीज कॉर्नर टुडे। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू फॉरवर्ड दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। तो आज मैं ध्यान से फेसबुक की स्टेटिस्टिक स्टडी कर रहा था, आम प्रेस की, कितने लोग लाइक करते हैं पेज को, उसमें से कितने आदमी हैं, कितनी लेडीज हैं, किस एज ग्रुप में हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और उसी टाइम जब मैं ये काम कर रहा था, तो मुझे किसी ने शिरडी से वो पलवल हरियाणा वाली लड़की का वीडियो भेजा। आज आपको ना एक कारण बताता हूं कि मैं आज रात को दुखी क्यों सोऊंगा। Why will I be unhappy when I sleep today? करीबन 10 दिन हो गए मैंने एक बहन का वीडियो डाला था उत्तर प्रदेश से, जिसमें वो कह रही है कि मेरा भाई खो गया है और मैं अर्जियां लिख लिख के थक गई हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को और रेलवेज इंडियन रेलवेज को, रेलवेज मंत्रालय को, और वो इधर का उधर, उधर का इधर, 60 दिन हो गए हैं पर मेरे भाई की कोई खबर नहीं है। वो भी वीडियो मुझे कहीं से किसी ने भेजा था, तो मैंने वीडियो फ्लोट किया आम प्रेस के फेसबुक पेज पे, यूट्यूब चैनल पे, ट्विटर अकाउंट पे, व्हाट्सएप पे। 10 दिन हो गए और मैंने उस वीडियो में कहा कि अगर मुझे इस बहन का कोई फोन नंबर ला दे तो मैं पूरी जान लगा दूंगा रेलवे मिनिस्ट्री और उत्तर प्रदेश सरकार को हिलाने के लिए कि इसके भाई को ढूंढेंगे हम। मुझे 10 दिनों में उस बहन का नंबर नहीं मिला। 130 करोड़ लोग हैं भारत में, है ना, ऑलमोस्ट कितने सारे लोग फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, लेकिन मुझे उस बहन का अभी तक नंबर नहीं मिला। और इस बात के लिए मैं आज रात को दुखी सोऊंगा, क्योंकि मुझे जब तक उसका नंबर नहीं मिलेगा, इतना क्लियरली बोला मैंने वीडियो में कि मुझे उस बहन का नंबर चाहिए ताकि मैं उससे उसकी मदद कर सकूं। ठीक है, ये 10 दिन पहले की स्टोरी थी और मैं वेट करता रहा। मैंने कहा यार आम प्रेस ठीक है, छोटी सी है, लेकिन कुछ मेरा ख्याल है, मैं ठीक ठाक सा ही काम कर रहा हूं, तभी इतना प्यार मिलता है मुझे, तभी लोग लाइव वीडियो देखने आते हैं, तभी लोग मैसेज भेजते हैं आउट ऑफ द ब्लू, प्लीज हमें अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लो। 8,800 कुछ लाइक्स हैं फेसबुक पे, जिसमें से किसी एक बेवकूफ इंसान ने कहा था पेड लाइक्स हैं, तो मैंने ये कहा था प्रूव इट और शट अप। कोई मिस वर्मा थी, ऐसे बहुत लोग आते हैं, मैंने एक रुपया भी नहीं दिया आज तक फेसबुक को, आम प्रेस के पेज को या किसी भी पोस्ट को बूस्ट करने के लिए। तो वो 10 दिन से इंसिडेंट चल रहा था। उसके बाद फिर किसी ने डिस्गस्टिंग जर्नलिज्म बोल दिया, स्मिता मिश्रा, उनका नाम नहीं भूलूंगा मैं, उम्र भर नहीं भूलूंगा जब तक वो जवाब नहीं देंगी। उसके बाद फिर आज का पलवल वाला वीडियो आया, तो मैंने कहा ये पार्लियामेंट 33% रिजर्वेशन भी नहीं कर सकता है लेडीज के लिए, तो क्या आम प्रेस दूसरों की तरफ देखती रहेगी? मैंने कहा मैं मेंस कॉर्नर तो शुरू करूं या ना करूं, मैंने आज लेडीज कॉर्नर शुरू कर दिया। पता है किसके लिए? आपकी बहन के लिए, आपकी वाइफ के लिए, आपकी मम्मी के लिए, आपकी बुआ के लिए, आपकी आंटी के लिए। क्या आप दिखाओगे ये वीडियो जाके उनको कि देखो आंटी ये एक ऐसा भी एक इंसान है? क्या ये वीडियो आप शेयर करोगे फेसबुक पे, ताकि भारत की जो लेडीज हैं उनमें बोलने की क्षमता आए, जागरूकता आए, चाहे वो क्रिटिसाइज भी क्यों ना कर रहे हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। मेरे को भी लोग, बहुत लेडीज मुझे क्रिटिसाइज करती है, दो नाम तो मैंने आपको अभी बताए। क्या टाइम्स नाउ, आज तक, NDTV, जी न्यूज, ABP, इतने बड़े बड़े चैनल हैं, क्या वो इस मुद्दे को लेकर अपना एक सेक्शन बना सकते हैं कि ये सेक्शन सिर्फ लेडीज के लिए होगा, ये एक घंटा 24 घंटे में से सिर्फ लेडीज की इश्यूज के लिए होगा? पता नहीं वो क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन विचारों के साथ आपका रॉबिनहुड आगे चलता जा रहा है, चलता ही जाएगा। मैं बहुत बार ये शब्द यूज करता हूं कि ये सुनामी अब रुकेगी नहीं।
मनप्रीत कौर, आपका लास्ट कमेंट आया है, गुड सर, सो वेलकम टू द लेडीज सेक्शन, और प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, एंड इफ एनी वुमन हैज एन इशू विद सपोर्ट, मैं तो खड़ा हूं सपोर्ट करने के लिए, आम प्रेस खड़ी है, कोई भी इशू हो, टेक्स्ट में हो, ईमेल में हो, व्हाट्सएप मैसेज पे हो, वीडियो पे हो, वॉइस नोट पे हो, अपना नाम बोलें, अपनी लोकेशन बोलें, अपनी तारीख बोलें, और अगर कोई ऐसा इशू है जहां आपके कॉन्टैक्ट नंबर की या ईमेल एड्रेस की जरूरत है तो वो भी बोलें। मेक योर वीडियोज लेडीज, आई एम स्टैंडिंग हियर टू सपोर्ट यू, इवन इफ द पार्लियामेंट कांट गिव यू इवन 33% रिजर्वेशन, इवन इफ द बिग एस्टैब्लिश्ड मीडिया कैन नॉट डेडिकेट टाइम टू यू, आम प्रेस विल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विद दिस थॉट आई लीव यू टू थिंक एंड टू शेयर, गुड नाइटी।